कानून की पाठशाला के इस नए प्रोग्राम में हम लगातार महिलाओं के सशक्तिकरण यानी कि वेमेन एम्पावरमेंट से जुड़े कानूनों के बारे में आपको बताते रहते हैं, ताकि हमारा समाज ज्यादा से ज्यादा जागरूक बन सके, सोशल अवेयरनेस बढ़ सके, हम अपने अधिकारों के बारे में जान सकें। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट यानी कि मातृत्व लाभ अधिनियम की। चलिए सबसे पहले आपको इस कानून की बारीकियों के बारे में बताते हैं। कहते हैं एक मजबूत राष्ट्र की बुनियाद स्वस्थ माँ और स्वस्थ शिशु पर निर्भर करता है, क्योंकि बच्चे ही हमारे भविष्य हैं। ऐसे में देश और समाज को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले मातृत्व सुविधा की ओर ध्यान हमारी प्राथमिकता है और हमारी सरकारें इस विषय पर संवेदनशील हैं। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट महिला कर्मचारी और उनके संस्थानों के संबंध में है। यह कानून नौकरी पेशा महिलाओं को मां बनने के पहले और बाद के निश्चित दिनों तक अपने बच्चे की देखभाल के लिए सैलरी के साथ छुट्टी यानी लीव विद पेमेंट का अधिकार देता है। कानून का उद्देश्य जच्चा और बच्चा के स्वास्थ्य लाभ के लिए पर्याप्त समय उपलब्ध करवाना और मातृत्व की गरिमा बनाए रखना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने संसद में मातृत्व लाभ संशोधन विधेयक 2016 में पारित कराकर इसे और अधिक प्रभावी बनाया। आज भारत सबसे लंबे मातृत्व अवकाश देने वाले देशों में एक है। आइए आपको बताते हैं कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट की बड़ी बातें क्या हैं। कानून का उद्देश्य शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर को कम करना है। मां बनने पर बच्चे की देखभाल के लिए महिलाओं को पूर्ण वेतन के साथ अवकाश का प्रावधान है। यह अधिनियम 10 या ज्यादा लोगों को रोजगार देने वाले सभी संस्थानों पर लागू होगा। मातृत्व अवकाश की अवधि 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दी गई है। गोद लेने वाली और कमीशनिंग माताओं के लिए 12 सप्ताह की छुट्टी का प्रावधान है। 50 या ज्यादा कर्मचारी वाले संस्थानों के लिए क्रेश या शिशु गृह की व्यवस्था अनिवार्य है। यह कानून संविधान के अनुच्छेद 42 के साथ अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के मानकों को मानता है। दो बच्चों के जन्म के बाद तीसरे बच्चे के जन्म पर 12 सप्ताह के अवकाश की व्यवस्था है। इस दौरान माँ को घर से काम करने की सुविधा होगी। बच्चा गोद लेने वाली महिला को 12 सप्ताह का अवकाश मिलेगा। जब स्वस्थ होगा हर जच्चा और बच्चा, तभी होगा देश का विकास पक्का, तभी होगा नए भारत का, एक मजबूत भारत का निर्माण। कानून की पाठशाला कार्यक्रम के इस अंक में इतना ही। अगले अंक में मिलेंगे कानून की नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।